देखिए, मैं खुद अपनी जो अपना जो कैरियर स्टार्ट किया है वो फैशन इंडस्ट्री से किया है। मैं खुद एक टाइम फेमिना मिस इंडिया में थी और मिस मुंबई में थी, तो आई नो ये बहुत टफ जॉब होता है, स्पेशली कंटेस्टेंट के लिए। ये इतने सारे लोगों में कंपटीशन और उसमें आपको यू शुड हैव टू लुक वेरी परफेक्टली लाइक टॉप टू बॉटम, और उसमें से एक इंटरनल ये भी फियरनेस रहता है कि क्या ये मुझे रैंक मिलेगा कि नहीं, मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। और एज अ बीन लाइक अभी तो खैर मैं एक्टर हूँ, पर प्रीवियस मैंने भी बहुत से ऐसे ब्यूटी शोज़ ये सब किए हैं, तो बहुत अंदर से धुक धुक होती है, बहुत डर सा लगा रहता है। मैं चाहती हूँ, मैं अपने तरफ से अपने सारी जो परफेक्ट वूमेन मिस मुंबई बनने वाली है फ्यूचर की 2015 की, मैं वो अपने तरफ से उन सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बेफिक्र रहो, डरो मत, टेंशन मत लो, अपना जो काम है वो परफेक्टली करो, जैसे परफेक्ट वूमन है परफेक्ट वूमन बनो, और जो है बस छोड़ दो। और आई एम श्योर आप लोग जितने भी हो और अभी जो आएंगी, क्योंकि अभी ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, मैं लास्ट ईयर आई वॉज इन ग्रैंड फिनाले, तो ग्रैंड फिनाले किया था, तो डैट वॉज अ वेरी फैंटेस्टिक, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे, द ऑल वर सो ब्यूटिफुल, और आज ओपनिंग में आई हूँ। और अब मैं जब मिलूँगी दोबारा ग्रैंड फिनाले में, तो आई एम श्योर जो भी ये लोग चूज़ करेंगे दैट विल बी फैंटेस्टिक एंड ब्यूटिफुल। तो मैं गर्ल्स को स्पेशली अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ डर को साइड में रखना, फोकस करना, आई एम श्योर आप सेलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।